हेलो एवरीवन वेलकम टू आई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माय सेल्फ रत्न क्लस दीक्षित टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एनर्जी बेसिकली एनर्जी ये वर्ड आप लोग काफ़ी अवेयर हैं इस एनर्जी वर्ड से एनर्जी बेसिकली दो टाइप की होती है फर्स्ट वन इज रिनेबल एंड सेकेंड वन इज़ नॉन रिनल रिनोबल का मीन्स होता है जो रीनीव हो सकती है मतलब जिसको हम बार बार रिन्यूव कर सकते हैं और वो नेचर करता है और नॉन रिनीबल का मतलब है जिसको रिन्यू करने में बहुत टाइम लगता है आप ये भी बोल सकते हो कि आप इसका यूज़ करते हो और यूज़ करने के बाद उसका काफ़ी एक टाइम बाद एक टाइम पीरियड बाद वो हमको वापस से मिलता है और वो टाइम पीरियड एक काफ़ी लंबा होगा जब जब तक हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं ठीक है तो सिंपली अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है वो एक इन्वायरमेंट में तो फ्रीली फॉर्म में प्रजेंट होती है फ्रीली फॉर्म का मतलब ये है कि एनर्जी हर जगह है जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मैं बोल रहा हूँ तो ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि एक वेव फॉर्म में प्रेजेंट है ठीक है तो यहाँ पर क्या क्या मेंशन है वो, वो सारी चीज़ें आपको एलिब्रेट करता हूँ तो चलिए टाइम ना ख़राब करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं एनर्जी एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर भी मैंने आपको बताया सम ऑफ देम एग्जैक्टली इनफिनिटली नेवर रन आउट कॉल्ड रिनेवेबल भी वही बात है सिंपल सी जो कभी भी खत्म नहीं होती है जिसका कभी भी कोई भी एंड नहीं होता है वो है रिनेवेबल जैसे कि हम बात करते हैं सन सन की जो एनर्जी है वो हमको पर डे मिलती है और वो कभी भी रन uh, आउट मतलब बोल सकते हो कि वो कभी भी वो ओवर नहीं होगी कभी भी वो uh, एक तरीके से uh, ख़त्म नहीं होगी ठीक है और इसका हम यूज़ कर सकते हैं और वो यूज़ एक लंबे समय तक हम इसका कॉन्टीन्यूस यूज़ कर सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं द रेस्ट द रेस्ट हैव फिनिट अमाउंट द रेस्ट हैव फिनिट अमाउंट का मतलब ये है कि जो दूसरी एनर्जी मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ नॉन रिनेबल एनर्जी वो एक फिक्स अमाउंट में है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज़ एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स का मतलब ये होता है कि ऐसे फ्यूल्स जो हमारे एनवायरमेंट में रॉक्स के बीच में बंद है मतलब आप ये बोल सकते हो कि जितने भी हमारे रॉक्स होती हैं आपने पढ़ा होगा ठीक है आ, जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो इसमें कुछ आपने बेसिक रॉक्स पढ़े होंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स रॉक्स होती हैं ठीक है और इग्नियस रॉक्स होती हैं ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रॉक्स होती हैं और इनके बीच में ये सारे फॉसिल uh, फ्यूल्स होते हैं फॉसिल फ्यूल्स का मतलब ये होता है कि वो बहुत टाइम से हमारे अर्थ में प्रेजेंट है बट प्रॉब्लम आती है कि हम इस फॉसिल फ्यूल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं और यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए कि हमको वहाँ के जो ट्राइबल्स एरिया होता है उसको हटाना पड़ता है फॉरेस्ट जो होता है वो भी एक तरीके से वहाँ से हटाना होता है तो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है बायोडाइवर्सिटी भी हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है ठीक है तो इस फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं कोल है क्रूड ऑयल है नेचुरल गैस है एंड यूरेनियम ठीक है तो अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स है मेनली मेड अप ऑफ कार्बन ये चीज़ याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका बेसिक जो मेन कंपोनेंट है वो कार्बन होता है क्लियर हो गया तो बेसिकली एनर्जी है जो दो टाइप के हैं रिनबल एंड नॉन रिनीबल एनर्जी दो वर्ड आप याद रखिएगा रीन्यबल का मतलब है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं और नॉन रिन्यूबल का मतलब है जिसको रिन्यू करने में बहुत टाइम लगता है और एक टाइम बाद उसका एक फिक्स अमाउंट ही नेचर में प्रेजेंट है बट जो जोब रीन्यूबल एनर्जी है वो एक तो काफ़ी लंबे समय तक इन्वायरमेंट में पर डे आपको मिलती है ठीक है ठीक है, ठीक है तो नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर मैंने रीनीबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का एक डिफरेंस बताया पहले मैं रिन्यूबल की बात कर देता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज़ जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर कंटिन्यूसली रिप्लेसड दिस इंक्लूड सनलाइट जियोथर्मल हीट विंड टाइडल वाटर एंड वेरियस फॉर्म ऑफ बायोमास ठीक है तो ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यही है कि जो नेचुरली फॉर्म होती है और इसको कॉन्टीन्यूसली रिपीट होती रहती है इसमें सनलाइट है सनलाइट सी बात है सनलाइट का मतलब है कि जो हमारी सोलर एनर्जी है जियोथर्मल एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी का आप बात कर सकते हो जियो मीन्स होता है अर्थ थर्मल मीन्स होता है अर्थ की एनर्जी तो जो अर्थ की जो एनर्जी है उसको भी हम ट्रैप करके एनर्जी को फॉर्म कर सकते हैं विंड विंड मतलब आप क्या कर सकते हो विंड से भी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हो कैसे करते हो अभी मैं आगे बताता हूँ टाइडस टाइड्स का मतलब ये होता है जो टाइडल एनर्जी होती है टाइडल का मतलब जिस तरीके से ओशियन में टाइड्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो वहाँ से भी हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड वाटर एंड वेरियस फॉर्म ऑफ बायोमास बायोमास का मतलब ये होता है आ, कि आप किसी भी एनिमल से किसी भी प्लांट से किसी भी आ, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल से आप क्या कर सकते हो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हो दिस एनर्जी कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड एंड इस कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्सटेंटली का मतलब ये है कि पर डे यह क्या होती है रीनीव होती रहती है भाई सनलाइट है सनलाइट पर डे हमको मिलता है ठीक है जियो एनर्जी जब सनलाइट आती है मतलब जब हीटिंग एनर्जी आती है सन की हीटिंग एनर्जी आती है तो हमारी जो अर्थ है उस अर्थ में क्या होती है हिट करती है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन देन ये क्या करती है रिफ्लेक्ट होकर के जाती है रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन और हम इसको यहाँ पर ट्रैप कर सकते हैं देखो ये आपने एक वर्ड सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग तो ग्लोबल वार्मिंग भी यहाँ से आप रिलेट uh, कर सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली क्या होता है अर्थ में वार्म हो रहा है और वो वार्म किसके प्रेजेंस से होता है कि गैसेस की प्रेजेंस होता है गैस वहाँ पर अर्थ की हीट को ट्रैप कर लेती हैं ठीक है तो कुछ उसी तरीके से है यहां पर कि हम अपने टेक्निक्स का यूज करके हम यहां पर इसको ट्रैप कर सकते हैं क्लियर हो गया ठीक है तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी कंप्राइजेस ऑफ अब इसमें कौन कौन सी एनर्जी है वो मैंने मैंशन करी है सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी का मतलब ये है एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द सन हाइडल एनर्जी एनर्जी डराइव फ्रॉम वाटर हाइड्रो से आता है वाटर बायोमास एनर्जी फ्रॉम फायरवुड एनिमल डंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड क्रॉप रेसिडुअल जैसे आपने सुना होगा ना बायो एथेनॉल ठीक है तो बायो एथेनॉल ये क्या कर सकते हैं हम एक तरीके का ये क्या हमारा बायोमास है जेट्रोफा ये सब बायोमास है जियो एनर्जी एनर्जी फ्रॉम हॉट ड्राई रॉक्स मैग्मा हॉट वाटर स्प्रिंग्स नेचुरल गीजर्स ये जितने भी हैं तो जियो का मतलब यही होता है दो वर्ड से मिला है जियो थर्मल तो जियो मीन्स हो जाता है आपका अर्थ थर्मल मीन्स हो जाता है आपका टेम्परेचर तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वहाँ से हमको एनर्जी को ट्रैप करना है एंड ओशियन थर्मल तो ओशियन थर्मल का मतलब है एनर्जी फ्रॉम वेव ऑल्सो फ्रॉम टाइडल वेव्स इसको हम टाइडल एनर्जी भी बोल सकते हैं मतलब जो हमारे आ, ओशन में टाइड्स प्रेजेंट होते हैं इसको हम हिंदी में आपने शायद वर्ड एक सुना हो ज्वार भाटा तो वो टाइड्स जो होते हैं वहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं को जनरेशन प्रोड्यूसिंग टू फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फ्यूल को का मतलब होता है एक साथ कोऑपरेट करना ठीक है तो हम एक साथ किसी एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं और एक फ्यूल का यूज करके फ्यूल सेल्स आर ऑल्सो बींग यूज एज क्लीन एनर्जी सोर्स फ्यूल सेल्स क्या होती हैं वो हम आगे आपको बताएंगे एक एक फॉर्म है आपने सुना होगा सोलर सेल कुछ उसी तरीके से है दैट वन इज फ्यूल सेल क्लियर है नेक्स्ट देखते हैं सोलर एनर्जी के बारे में सोलर का मतलब सिंपल ऐसा है सन तो यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन बनता है वो ये पूछा जा सकता है कि पहले तो एक से एग्जाम्पल होते हैं सोलर एनर्जी या आपसे पूछा सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्योएबल एनर्जी कौन सी है अब सोलर एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आपको शायद पता हो एक इंडिया जो एक इंटरनेशनल सोलर एलायंस बना था इसके बारे में हम बात करते हैं ये यह यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं कि बेसिक चीज़ें क्या हैं सोलर एनर्जी की सन के लिए यहाँ पर तो इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज नेचुरली ब्लेस्ड विद लॉन्ग डे एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन भाई ऑब्वियस सी बात है हमारे पास बहुत ज़्यादा सनशाइन है उसका एक रीज़न है कि जो इंडिया है वो इंडिया कहाँ है ये ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर है और इंडिया के बीचों बीच से मैं इसको फिर से आपको दिखाता हूँ इंडिया के बीचों बीच से अगर मैं बात करूँ ये ज़ीरो डिग्री क्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर है और इंडिया यहाँ कहीं पर है ठीक है तो इंडिया के पास से एक ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की प्रेजेंस से इक्वेटर बहुत पास में है इसके प्रेजेंस की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है सनशाइन देयर आर टू वे वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सनलाइट देखो तो सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी को दो तरीके से हम यूज प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्स्ट इज़ फोटो वोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी फोटो का मतलब होता है लाइट वोल्टिक का मतलब होता है करंट मतलब लाइट को करंट किस में किस में कन्वर्ट कर रहे हैं करंट में मतलब लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और आपको शायद ये पता हो कि हम ये किस किसका यूज़ करते हैं हम यहाँ पर सोलर सेल का यूज़ करते हैं ठीक है सोलर सेल आप सब लोगों ने देखा होगा क्लियर है उसके बाद आता है सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी सोलर थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम फंक्शन है बट इसमें बहुत थोड़ा सा एक डिफ्रेंस है और वो डिफरेंस अभी आपको आगे दिखता है ठीक है फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या है यूज़ फोटोवोल्टिक सेल दैट एब्जॉर्ब द डायरेक्टली सनलाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी सिंपल सा मतलब ये है कि हम यहाँ पर सेमी कंडक्टर्स सेल का यूज़ करते हैं सेमी कंडक्टर्स ये मैंने आपको तो पढ़ाया था फिजिक्स में सेमी कंडक्टर्स कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच का पार्ट होता है इसमें हमारे अंदर इस सेमी कंडक्टर्स में दोनों की प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स की भी और नॉन कंडक्टर की भी होती है और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर सिलिकॉन क्लियर है तो बेसिकली हम क्या करते हैं इस फोटोवोल्टिक सेल में से यहाँ पर इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं वी वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करते हैं और यहाँ से सन के रेज इसमें आ, हिट करती हैं सन की रेज जैसे ही हिट करती हैं तो यहाँ पर बेसिकली इस फोटोवोल्टिक सेल में पी टाइप और एन टाइप जंक्शन होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हम एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं तो आपको सबसे पहला याद रखना है कि फोटोवोल्टिक सेल सेकेंड है सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज अ सोलर कलेक्टर दैट हैज अरर सरफेस विच रिफ्लेक्ट द सन लाइट ऑन टू अ रिसीवर दैट हीट अप लिक्विड दिस हीटेड अप लिक्विड इज यूज टू मेक स्टीम दैट प्रोड्यूज इलेक्ट्रिसिटी आई होप आपको ये बात शायद समझ में आ रही हो अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं एक इमेज से आपको समझाता हूँ सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर देखो हमने क्या किया यहाँ पर एक मिरर को रखा ये एक मिरर है ठीक है ये मिरर है मैं इसको एक बार फिर से रफ करके बनाता हूँ मान लिया कि ये एक मिरर है इसको मैंने इस एंगल में हिट किया है इस एंगल में हिट किया है और इधर से सन जो है वो अपनी एनर्जी को पास कर रहा है ये सन है ठीक है तो सन जब इस मिरर से हिट करेगा तो रिफ्लेक्शन होगा आपने पढ़ा है फिजिक्स में रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्ट होकर के ये कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पर हम एक लिक्विड को रखेंगे और वो लिक्विड क्या करेगा इस एनर्जी को ट्रैप कर लेगा इस एनर्जी को लिक्विड क्या करेगा ट्रैप कर लेगा ठीक है अब इस in, इस लिक्विड से क्या प्रोड्यूस होगी स्टीम प्रोड्यूस होगी स्टीम प्रोड्यूस होगी और स्टीम से हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं मींस एनर्जी का फॉर्मेशन कर सकते हैं ऐसे सिंपल से बात है वाटर है अब वाटर से हमने इनडायरेक्टली फॉर्म में वाटर के ऊपर लाइट को हिट किया अब जब वाटर में लाइट हिट करेगी तो वहाँ से स्टीम का प्रोडक्शन होगा और हम इस स्टीम से ही एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में आप एक वर्ड याद रखना दैट इज स्टीम का प्रोडक्शन करना है आपको क्लियर है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फोटो सेल में तो यहाँ पर आपको वर्ड याद रखना है दैट इज सेमी कंडक्टर तो सेमी कंडक्टर्स ये बेसिकली कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स के बीच के होते हैं फॉर एग्जाम्पल सिलकन क्लियर है ओके okay. अब हम आगे देखते हैं तो ये तो था हमारा सोलर के बारे में सोलर के बारे में अब बात आती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये मैंने अभी वर्ड आपसे यूज़ किया था इसको शॉर्ट में आई एस ए बोलते हैं शॉर्ट में इसको बोलते हैं आई एस ए इसका फुल फॉर्म याद रखना इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी वहाँ उन्होंने इसको इनिशिएट किया और ये ज़ीरो डिग्री इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन इसके बीच में जितने भी कंट्रीज आते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सन लाइट है प्लेंटी ऑफ सन एनर्जी सोलर एनर्जी और इसका हम यूज़ कर सकते हैं सोलर पैनल को फिक्स करके तो यहाँ पर मैंने ये देखो एक छोटा सा एक इमेज ऐड किया है और इस इमेज में आपको यहाँ जो रेड कलर में डार्क रेड कलर में दिख रहे हैं ये लोग सोलर अलाइंस uh, uh, में ऐड हैं और ये लोग जो हैं ये ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन के बीच में आते हैं मतलब ये कंट्री ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन के बीच में प्रेजेंट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्लियर है तो आई होप आपको ये बात समझ में आ जाए आ गई होगी अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि टोटल इसमें कितने कंट्रीज़ हैं तो वन ट्वेंटी वन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ठीक है थर्टी सिक्स सिग्नेचर कंट्रीज़ हैं यहाँ सब मेंशन है सिक्स कंट्रीज ने इसको रेक्टिफाई किया है इंडिया फ्रांस नेहरू मॉरिशस नाइजर एंड ट्वेल्व क्लियर है तो आपको बस याद रखना है कि इंडिया और फ्रांस मतलब यहाँ पर इंडिया और फ्रांस ये इन लोगों का किया धरा है मतलब जो दिमाग की जो उपज है वो इंडिया और फ्रांस की है क्लियर है तो अब याद रखो थोड़ा सा इसके जो बेसिक चीज़ें यहाँ लिखी हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस दैट इज आई एस ए इज लॉन्च एट द कॉप ट्वेंटी वन कॉप का मतलब क्या होता है तो कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप का मतलब होता है बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्लियर है तो यहाँ पर जब कॉप ट्वेंटी वन मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर इन्होंने ये चीज़ डिसाइड करी कि हमको ऐसा करना चाहिए और ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी पेरिस में हुई थी थर्टीएथ नवंबर ठीक है तो पेरिस में हुई थी ये और यहाँ पर वन ट्वेंटी वन सोलर जो स्टेट है सॉरी जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ये एक तरीके से बोल सकते हो एक अलायंस हुआ मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट हुआ ठीक है तो याद रखना कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो किसके किसके बीच में है तो आपको ध्यान रखना है कि वो कंट्री ऐसे हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में प्रेजेंट है और मेन जो है कंट्री वो इंडिया एंड फ्रांस है जिन लोगों ने ज़्यादा फोर्सफुली चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया क्लियर हो गया ओके और ये याद रखना कि पेरिस में जो कॉप ट्वेंटी वन था वहाँ पर इसको स्टार्ट किया कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ठीक है आप पढ़ते होगे गए कॉप वन कॉप टू कॉप थ्री कॉप टेन इस तरीके से तो एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है ओके नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में थोड़ा सा लिखा हुआ है आई का हेड क्वार्टर है तो ये गुड़गांव में है गुड़गांव जिसको हम गुरुग्राम कहते हैं गुरु ग्राम ये हरियाणा में है थर्टीए नवंबर टू अभी मैंने लास्ट में बताया कि पेरिस में एक सबमिट हुआ था तो वहाँ पर थर्टियथ नवंबर 2015 में ये काम हुआ है मतलब आई का फॉर्मेशन हुआ है द सेकेंड असेंबली ऑफ़ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज़ बीग होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिनीबल एनर्जी फ्राम थर्टियथ टू थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन ये सेकेंड मीटिंग है जो टू थाउजेंड नाइनटीन थर्टीथ अक्टूबर को कम्प्लीट हुई ओके okay, तो ये थोड़ा सा नीचे वाला जो पॉइंट है वो करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया नेक्स्ट हम देखते हैं विंड एनर्जी विंड एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पर हम हम क्या करते हैं आपने देखा होगा कि ये जो एयर होती है इस एयर का अपना एक स्पीड होता है विंड होती है ठीक है और यहाँ पर हम कुछ टर्बाइंस को कनेक्ट करते हैं एक फैन लाइक स्ट्रक्चर है ठीक है इस फैन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे और जैसे यहाँ पर विंड हिट करेगी ये क्या करेगा रोटेट करेगा मूव करेगा और इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक सर्किट से और यहाँ से डायनमो को कनेक्ट करने के बाद हमारा टर्बाइन मूव करेगा और यहाँ से हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो विंड एनर्जी में बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आपको ध्यान रखना है वो क्या है वो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है बट इससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ कि वॉट इज विंड एनर्जी द एनर्जी वी गेट फ्रॉम विंड इज़ नोन एज विंड एनर्जी सिंपल सा बात है फॉर दिस विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू पम्प आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड विंड मिल्स जो अभी मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके की होती हैं जिसमें ऐसे छोटे छोटे से स्पाइक्स लगे होते हैं ठीक है और इस तरीके से कुछ और यहाँ पर जैसे ही एयर हिट करती है तो ये रोटेट करते हैं क्लॉक और एंटी क्लॉक और रोटेस रोटेशन करने से यहाँ पर डायनमो में मूवमेंट होता है और डायनमो के मूवमेंट से जो विंड एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो तमिलनाडु जो स्टेट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु टॉप द लिस्ट ऑफ द स्टेट विद द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी इन द वर्ल्ड ये पॉइंट आप याद रखना कि भाई जो तमिलनाडु है तमिलनाडु तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा विंड पावर से हम क्या करते हैं एनर्जी को जनरेट करते हैं ठीक तो तमिलनाडु की सबसे ज़्यादा है सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड मेगावाट देन महाराष्ट्र की है फोर थाउजेंड दैन कर्नाटका की है टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड देन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश केरला आर माइनर प्ले विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ लेस देन थाउजेंड मेगावाट तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में सबसे फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है एंड कर्नाटका थर्ड नंबर पे है तो तमिलनाडु फर्स्ट देन महाराष्ट्र देन कर्नाटका ठीक है टी एम के तमिलनाडु महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ओके तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट में क्या है हाइड्रो पावर हाइड्रो पावर का मतलब ये होता है हाइड्रो उसके आपने वर्ड सुना होगा हाइड्रो का मतलब ये होता है वाटर हाइड्रो का सिंपल सा मतलब होता है वाटर ठीक है हम वाटर का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं डैम का फॉर्मेशन करेंगे ये भी क्या है एक रिनीबल एनर्जी है डैम का मतलब ये है कि मैं पानी को बहुत ऊपर से मैं पानी को ऊपर से गिराऊंगा और जब ऊपर से गिराऊंगा तो नीचे यहाँ पर क्या होगा एक टर्बाइन लगा होगा ठीक है जो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करेगा और जैसे ही यहाँ पर ये यह वाटर गिरेगा जैसे ही पानी यहाँ पर गिरेगा ये रोटेट करेगा अपने एक्सिस के अराउंड और रोटेट करेगा तो इसको मैं एक डायनमो से कनेक्ट कर दूँगा ठीक है जहाँ से ये डायनमो के रोटेशन से एनर्जी का कन्वर्जन होगा और हमने क्या किया जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है इस काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी या आप ये बोल सकते हो सीधे सीधे कि जो हॉट हाइड्रो पावर है मतलब हाइड्रो मतलब वाटर करंट है जो वाटर एनर्जी है उसको हमने किसमें कनेक्ट किस में किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्लियर हो गया तो ये है एक मेन कन्वर्जन क्लियर तो इसमें कुछ लिखा हुआ है वो मैं एक बार आपको मेंशन कर देता हूँ हाइड्रोलिक पावर कैन बी कैप्चर्ड वेन वाटर फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम अ हायर लेवल टू ए लोअर लेवल विच इज देन यूज टू टर्न द टर्बाइन दे आर बाई कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इंटू मैकेनिकल एनर्जी टू ड्राइव द जनरेटर जनरेटर जो डैमो से फिक्स होता है तो यह आपने डैम देखा होगा डैम का एक जिसको हम बोलते हैं न मल्टीपर्पज़ डैम तो मल्टीपर्पज़ डैम का एक सबसे बड़ा यूज ये भी है कि इलेक्ट्रिक करेंट का प्रोडक्शन करना ठीक है वाटर से इलेक्ट्रिक करेंट का प्रोडक्शन करना आपको शायद पता होगा कि जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है आपने सुना होगा ठीक है झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज तो हमने इंडस झेलम और चेनाब इन तीन रिवर को पाकिस्तान को दे दिया है ये पाकिस्तान के पास है और रावी व्यास सतलज ये इंडिया के पास है पाकिस्तान को जो वाटर दिया गया है वो एट्टी परसेंट दिया गया है और ट्वेंटी परसेंट वाटर इन रिवर्स का ट्वेंटी परसेंट वाटर इंडिया क्या करता है इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन करता है किस किसका यूज़ करके हाइड्रो पावर मतलब आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इस वाटर की कानेटिक एनर्जी का यूज करता है और वहाँ से हम क्या करते हैं टर्बाइन को जनरेटर को मूव करते हैं और वहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं सॉरी अपना करंट क्लियर है ठीक है अब हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी तो टाइडल एनर्जी यू ऑल लो टाइडल्स का मतलब होता है टाइड्स टाइड्स मतलब ओशियन के सरफेस के ऊपर जो वेव्स चलती हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स और सन जो हमारा मून है मून का जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से इस तरीके से इस फॉर्म में मूव करती हैं और इसी का यूज़ करते हैं हम एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए तो एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टाइड्स बाय क्रिएटिंग ए रिजर्वायर ऑफ बेसिन बिहाइंड बैरेज एंड देन पासिंग टाइडल वाटर थ्रू टर्बाइन इन द बैराज यू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या करना है हमको यहाँ पर एक बैराज बनाना है बैराज का मतलब है हम क्या कर सकते हैं वाटर को एक जगह रोक सकते हैं हम यहाँ पर बैराज का मतलब होता है कि हमने एक बैरियर बना दिया है अब जैसे ही ये टाइट्स यहाँ पर हिट करेंगी तो हिट करने पर यहाँ पर हम बैरियर की वजह से ये वाटर आगे मूव नहीं करेगा और यहाँ पर हम टर्बाइन को सेट कर देंगे टर्बाइन एक फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है फैन लगी होते हैं भी मैंने बताया था और ये मूव करेगी अपनी एक्सिस के अराउंड जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं जनरेटर को और डायनेमो को कनेक्ट करके करंट का प्रोडक्शन कर सकते हैं ए मेजर टाइडल वेव प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ऑफ ₹5000 करोड़ इज प्रपोज्ड टू सेट अप द हंथल क्रीक इन कल गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ये गुजरात में गल्फ ऑफ कक्ष आप ये स्ट्रक्चर जो तो देखते हो ये है गल्फ ऑफ कक्ष यहाँ पर सेट किया जा रहा है जो कि फाइव थाउजेंड करोड़ का प्रोजेक्ट है ये इम्पॉर्टेंट है क्लियर है हंथल क्रीक गल्फ़ ऑफ कक्ष आई होप आप समझ गए होंगे टाइडल एनर्जी तो टाइड्स पर डे प्रोड्यूस होते हैं ये पर डे प्रोड्यूस होते हैं तो क्या इनका लिमिट है ये लिमिट लेस है आप जितना चाहो उतनी एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं बायोमास एनर्जी बायोमास एनर्जी वही मैंने मेन चीज बताई बायोमास एक मैंने आपको जब पढ़ाया था पिरामिड्स के बारे में तो मैंने आपसे बोला था ड्राई वेट ड्राई वेट मतलब आपको क्या करना है पहले आ, जितने भी आ, एनिमल है या प्लांट है उसको ड्राई कंडीशन में करना है देन उसका वेट करना है दैट इज बायोमास बायोमास रिनेबल एनर्जी है रिनेवेबल सोर्स रिनेवेबल का मतलब ये है कि ये हम रोज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं भाई कोई प्लांट है प्लांट के साथ साथ कुछ एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं धीरे धीरे आप बोल सकते हो ना हम इसको निकाल करके इनके वेस्ट मैटर को निकाल करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वेस्ट मैटर प्लांट एनिमल रोज़ प्रोड्यूस करते हैं पर डे प्रोड्यूस करते हैं जैसे डंक की बात करें काउ डंक की बात करें एनिमल्स के जो डंक होते हैं वो रोज़ प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं इनको फर्मेंट करके प्रोडक्शन कर सकते हैं तो कैसे करते हैं ये देखते हैं बायोमास रिनेबल एनर्जी सोर्स इज बायोलॉजिकल मटीरियल डेराव्ड फ्रॉम लिविंग और रिसेंटली लिविंग ऑर्गनिज्म बुड वेस्ट एंड एल्कोहल फ्यूज ठीक है जैसे एथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं बायोमास कॉमनली प्लांट मैटर ग्रोन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और प्रोड्यूस हीट फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एसिड्यूज सच एज डेड ट्रीज ब्रांचेज एंड ट्री स्टम्प्स क्लियर है तो अभी भाई मैंने भाई मैंने आपको बताया कि आपको सिंपल से याद रखना है कि ये रिनेवेबल है बायोमास मास है आप ये मत सोचिएगा कि कोई प्लांट है उस प्लांट को अगर मैंने एक बार यूज़ कर लिया तो क्या वो दोबारा बनेगा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उनके वेस्ट मैटर जो होते हैं वेस्ट मैटर वेस्ट मटीरियल वेस्ट मटीरियल मीन्स उनकी लीव्स ठीक है उनके जो ड्राई लीव्स हैं उनकी जो ब्रांचेज हैं उनका हम यूज़ करते हैं ठीक तो आप देखते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या ऐड किया है इसमें हमने कुछ के बारे में लिखा है तो ये ऑलरेडी आपको आपको मैंने बता दिए हैं वुड्स एंड फ्यूल्स पर आपको याद रखना क्रॉप लाइक टू प्रोड्यूस ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इथेनॉल बायोडीजल एन अर्दर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम लेफ्ट फूड प्रोड्यू प्रोडक्ट लाइक वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैक्ट देखो ये जो चीज़ मैंने लिखी है बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ इस पैराग्राफ में कि यहाँ पर हम बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं और यहीं से हमारा क्वेश्चन बनेगा बायोफ्यूल्स मतलब इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं और इथेनॉल टू थाउजेंड तक अपने पे, पेट्रोल में इथेनॉल का यूज़ किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट अभी आगे आप समझ जाओगे तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि मुझे बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करना है ठीक है वो क्या है अभी मैं आगे देखता हूँ बायोफ्यूल्स बायोफ्यूल्स का मतलब क्या होता है एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मटीरियल लिविंग और वंस लिविंग मटीरियल इन अ शॉर्ट पीरियड टाइम और वो शॉर्ट पीरियड टाइम कुछ दिन हो सकते हैं कुछ वीक हो सकते हैं इवन अ मंथ इस कंसीडर अ बायोफ्यूल तो बायोफ्यूल सॉलिड में भी हैं लिक्विड में भी है और गैस में भी है सॉलिड में वुड है ड्राइड प्लांट मटेरियल है लिक्विड में है बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल एंड गैस में है सिर्फ बायोगैस अब बायोगैस के प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे डंप डंक है डंक की अगर बात करो तो हम उसको एक समय तक एक टैंक में स्टोर करते हैं स्टोर करने से यहाँ पर एक बायोगैस का प्रोडक्शन होता है ठीक है और इसका प्रोडक्शन करके हम एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं तो किस तरीके से करते हैं यहाँ पर क्या और इंपॉर्टेंट है वो देखो अब बायो इथेनॉल बायो डीजल इन सबको मैंने अलग अलग मेंशन किया बायो इथेनॉल ये जितने भी मैं स्लाइड्स में ये तीन चार चीज़ें अभी आपको दिखेंगी वन बाय वन ये सब इम्पोर्टेंट है इनको ध्यान रखना इट इज़ डराइव फ्रॉम कॉर्न एंड शुगर केन यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस देखो आप ध्यान रखना ये जो बायोमास का प्रोसेस मैंने बताया है ना बायोफ्यूल यहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है आप सिंपल सा मतलब याद रखो किसी किसी भी चीज़ को एक बड़े से टैंक में डाल के बंद कर दो और फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ऑक्सीजन की एबसेंट में और वो धीरे 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 वो फर्मेंट होगा मतलब एक तरीके से वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा सड़ जाएगा ठीक है तो वही हमको यहाँ पर समझना है अब यहाँ पर आप इसको पूरा एक बेसिकली आप पढ़ लेना बट मैं मेन मेन चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ कि बायोएथेनॉल एक फर्मेंट प्रोसेस है और यहाँ पर कॉर्न और शुगर केन का हम यूज़ करते हैं जनरली शुगर केन आपने ज़्यादा सुना होगा वेन मिक्सड विद पेट्रोल इट इम्प्रूव द कम्बन्शन परफॉर्मेंस एंड लोअर द इमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसका यूज़ करें बायो इथेनॉल का इसलिए क्योंकि यह कुछ परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ करेगा अब देखो सिंपल सी बात है अगर किसी चीज़ को इम्पोज करना है तो हमको कुछ ना कुछ इसकी इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी ठीक है और यहाँ पर होगा क्या कि हम जो गवर्नमेंट है वो जितने भी फार्मर्स हैं उनसे बोलेगा कि शुगर को का प्रोडक्शन और कॉर्न का प्रोडक्शन स्टार्ट करो ज़्यादा और हम इसका एक एम जो कि अभी सेट है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस वो सेट कर देंगे या इंक्रीज कर सकते हैं और वहाँ से हम शुगर को इनको ले करके बायो इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे और बायो इथेनॉल को पेट्रोल में ऐड किया जाएगा जिससे क्या होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाईऑक्साइड इनका क्या होगा कम इमल आपका एक तरीके से एक्सपोजर होगा या कम प्रोडक्शन होगा लोअर प्रोडक्शन होगा देन बात करते हैं बायोडीजल इट इज़ डिराइव फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल लाइक सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल वेजिटेबल वेस्ट ऑयल एंड एनिमल फैट बाई एक बायो केमिकल प्रोसेस कॉल्ड ट्रांस इस्टरिफिकेशन आपको ये वर्ड याद रखना है ट्रांस इस्टरिफिकेशन ठीक है ओके okay. इट प्रोड्यूस वेरी लेस और नो अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैस एज कंपेयर टू डीजल इट कैन बी यूज एन अल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल डीजल फ्यूल मतलब गवर्नमेंट डीजल की जगह बायो डीजल का प्रोड्यूस करेगी और बायो डीजल प्रोडक्शन में ले आपको कोई भी ऑयल का यूज़ करना है दैट इज़ वेजिटेबल ऑयल क्लियर हो गया ओके okay. और जो प्रोसेस मैंने बोला है वो याद रखना आप ट्रांसस्ट्रीफिकेशन यहाँ पर क्या है फर्मेंटेशन प्रोसेस नेक्स्ट है बायोगैस इंपॉर्टेंट है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई एनारोबिक डिकम्पोजिशन एनारोबिक का मतलब ये होता है जहाँ पर कार्बन एब सी ऑक्सीजन एबसेंट है मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन एबसेंट होगा मैंने बोला था आपसे ठीक है तो हम बात करते हैं बायोगैस के बारे में बायोगैस मेनली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये एक तरीके का डिकम्पोजिशन मटीरियल है डिकम्पोजिशन का मतलब यहाँ पर एक टाइप का फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है एरोबिक और एनारोबिक ये बायोलॉजी में अपने मैंने पढ़ा हुआ है और आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज़ एरोबिक एंड एनारोबिक एनारोबिक का मींस होता है जहाँ पर ऑक्सीजन एबसेंट होती है तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक सीवेज फ्रॉम एनिमल एंड ह्यूमन मीन्स वहाँ पर उसको डिकम्पोज किया जाएगा एक लंबे टाइम तक और वो एक एनारोबिक रेस्पारेशन है जहाँ पर एयर का एबसेंस होगी मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ बायोगैस इज़ मीथेन मीथेन ये आपको याद रखना है बायोगैस में मीथेन होता है ये मेन है इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो इट ऑल्सो हैज स्मॉल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड चिलोक्सैन अब आपको मेन याद यहाँ यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ मेमोराइज करनी है दैट इज मीथेन इट इज़ कॉमनली यूज फॉर हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर ऑटोमोबाइल्स क्लियर है तो बायोगैस का मेन कंपोनेंट है मिथेन जहाँ पर मेन एक प्रोसेस है दैट इज एनारोबिक डिकम्पोजिशन एनारोबिक मीन्स एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन बायोब्यूटेनॉल बायोब्यूटेनॉल्स इट इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम वे एज बायो इथेनॉल दैट इज थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च अब यहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का भी मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी और बट यहाँ पर चीज़ है स्टार्च स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है दैट इज़ पॉलीसेकेराइड द एनर्जी कंटेंट इज ब्यूटेनॉल इज द हाइस्ट एमंग द अदर गैसोलिन अल्टरनेटिव याद रखना कि यहाँ ब्यूतेन, बायो बायोब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल में एनर्जी का कंपोजिशन ज़्यादा होता है इट कैन बी एडेड टू डीजल टू रिड्यूज इमिशन हम इसको डीजल में भी ऐड कर सकते हैं इट सर्व एज सोलवेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इज ऑल्सो यूजड एज ए बेस इन परफ्यूम्स है ये तो खैर इसके यूज लिखे हुए हैं इसका कहाँ कहाँ यूज होता है बायोहाइड्रोजन बायोहाइड्रोजन लाइक बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग ए नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज पैरोलिस कैसीफिकेशन और बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन इट कैन बी परफेक्ट अल्टरनेटिव फॉर फॉसल फ्यूल्स क्लियर है तो बायोहाइड्रोजन भी सेम वैसे ही जैसे बायोगैस है यहां पर भी हम क्या करते हैं मेन प्रोसेस है दैट इज डिकम्पोजिशन एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन क्लियर है और यहाँ पर कुछ प्रोसेस लिखे हुए हैं दैट इज पैरोइसिस गैसिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन बट यहाँ पर जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट इज बायो इथेनॉल सेकेंड इज डीजल एंड थर्ड वन इज बायोगैस ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ये कब लॉन्च हुई थी ये आपको याद रखना है 2009 तो में लॉन्च हुई थी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएट लिए हैं और वो इनिशिएट आपको याद रखना है इसमें मैंने दो तीन स्कीम भी मैंशन करी है वो इंपॉर्टेंट है पॉइंट करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द डिपार्टमेंट सक्सेसफुली डेवलप्ड टू जी एथनॉल एंड ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ओ एम सी एयर है तो टू जी एथनॉल को जो बायोटेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है इसने क्या किया है सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है इसके बाद ये जो हमारे लिए मेन है वो टू थाउजेंड नाइनटीन में एक चीज़ है स्कीम है दैट इज़ प्रधान जीवन योजना जी वन योजना द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर सेटिंग अप कॉमर्शल प्रोजेक्ट एंड टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टू जी एथेनॉल सेक्टर मीन्स एथेनॉल का फॉर्मेशन करना है क्लियर है तो प्रधानमंत्री जी वन योजना क्लियर द टू थाउजेंड एटीन बायोफील्ड पॉलिसी हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीचिंग ट्वेंटी परसेंट इथेनॉल ब्लैंडिंग एंड फाइव परसेंट बायोडीजल ब्लैंडिंग बाय द ईयर ऑफ टू थाउजेंड थर्टी बायोडीज़ल Uh, अभी मैंने आपको बताया ब्लेंडिंग का मीन्स होता है उसको ब्लेंड करना मतलब उसमें मिलाना तो फाइव परसेंट बायोडीजल का यूज़ किया जाएगा और टेन परसेंट बायो इथेनॉल का यूज़ किया जाएगा ठीक है जिसकी वजह से हम फ्यूल्स जो हमारे बेसिकली पेट्रोल और डीजल फ्यूल्स हैं इससे हम कही कहीं ना कहीं परसेंटेज को कम कर सकते हैं और और एनर्जी एफिशिएंट कर सकते हैं और वो ईयर है टू थाउजेंड थर्टी ईयर है तो आई होप आपको ये चीज़ याद रख याद रहेंगी नेशनल बायोफील पॉलिसी आपको याद रखनी है टू थाउजेंड नाइन में आई थी ओके okay, क्लियर है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है नॉन रिनेवेबल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रेनेवेबल सोर्स ऑफ एनर्जी।, एनर्जी का मतलब है ऐसे एनर्जी जिस जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते रिन्यू का मतलब है इसकी एक लिमिट है एक पर्टिकुलर एक लिमिट है कि इतने लिमिट तक ये प्रेजेंट होगी इसके बाद एक तरीके से इसको टाइम चाहिए रिन्यू होने के लिए क्लियर है अब इसमें कौन कौन से आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स में तो दैट इज कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स नेचुरल गैस याद रखना नेचुरल गैस एक नॉन रिन्यूएबल है मैं बायोगैस की बात नहीं कर रहा हूँ दैट इज नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल्स एज दे आर द सॉरी एज दे आर द रिमेन्स ऑफ पेरेस्टोरिक प्लांट एनिमल एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड मिलियन ऑफ एगो क्लियर है तो प्लांट एनिमल और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है कैसे होता है ये कुछ रॉक्स होती हैं रॉक्स में टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन आता है टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो मेटामार्फिक रॉक है इग्नियश रॉक है एंड सेडिमेंट्री रॉक्स है इनमें जो रॉक साइकिल होता है वहाँ से कन्वर्जन होता है और अलग अलग टाइप की आपने रॉक्स पड़ी होंगी वो रॉक्स आपने शायद आर्कियन धारवर कुडप्पा विंध्यन ये जो रॉक्स के टाइप पड़े हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के मिनरल्स इनमें प्रजेंट होते हैं ठीक है ड्यूरिंग द कार्बोनी फेरस पीरियड कार्बोनी फेरस का मतलब सिंपल सा है जहाँ पर कार्बन का प्रेजेंस है टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव टू थ्री हंड्रेड फिफ्टी मिलियन ईयर एगो कंडीशन इन द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डिपॉजिट ऑफ फॉसल फ्यूज ये एक टाइम पीरियड है जब फॉसिल फ्यूज का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था वहाँ पर एक ऐसी एक ऐसा कंडीशन थी और वह कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से थी है तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स याद रखने हैं दैट इज कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिनेबल एनर्जी एंड यूरेनियम भी यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो आगे देखते हैं कि क्या है किस किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनने की प्रॉबिलिटी uh, है चांसेस है तो फर्स्ट वन इज कोल अब कोल से जो क्वेश्चन बनता है ये इसके टाइप से बनता है कि किसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा है किसमें कार्बन का कंटेंट कम है या कितने टाइप की कोल्स होते हैं तो बेसिकली कोल इज अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल एंड अ अडिमेंट्री रॉक्स कंपोज प्राइमरी ऑफ कार्बन तो मेन कंपोनेंट है कोल का दैट इज कार्बन देयर आर थ्री बेसिक ग्रेड ऑफ कोल फर्स्ट इज लेग्नाइट विटमिनस एंड एंथरेसाइट और एक होता है पीट ठीक है ब्राउन कोल दैट इज लेग्नाइट विटमिनस दैट इज सॉफ्ट कोल एंड हार्ड कोल इज एंथ्रेसाइट और मैं आपको बताऊं अगर एंथ्रेसाइट जो है एंथरेसाइट कोल ये इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है मतलब इसका जो कार्बन कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वेस्ट मैटर कम होता है और सबसे जो खराब है मतलब आप ये बोल सकते हो सबसे लो कंटेंट है जिसमें एनर्जी का ये सबसे लो कंटेंट है कार्बन का दैट इज़ पीट तो यहाँ पर पीट को मैंने मैंशन नहीं किया है बेसिकली पीट का फॉर्मेशन भी यहाँ से होता है ठीक है तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड तो काफ़ी टाइम पहले मिलियन ईयर से वो यहाँ पर प्लांट हैं ठीक है और इन प्लांट के अंदर कुछ रॉक्स हैं रॉक्स प्रेजेंट हैं अर्थ के अंदर और यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से इस जगह पर सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर है ठीक है सेडिमेंट्री रॉक्स में यहाँ पर धीरे 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 टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन की वजह से पोल का फॉर्मेशन होता है तो ये सारी चीज़ें आपने आ, आसानी से जोग्राफी में मिनरल्स चैप्टर है उसमें कवर अप किया होगा और यहाँ से हम क्या करते हैं इसको रिमूव करते हैं मतलब सॉरी हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं मतलब हम इसको निकालते हैं तो यहाँ पर जो कोल से क्वेश्चन बनेगा वो इसके टाइप से बनने के चांसेस हैं क्लियर है किस में ज़्यादा होता है और किस में कम होता है अकॉर्डिंग एनर्जी कंटेंट इज़ ग्रेटर इन एंथ्रेसाइट कोल एंड लोवेस्ट इन लेग्नाइट यहाँ पर लिखा हुआ है लोवेस्ट इन लेग्नाइट बट लेग्नाइट के साथ अगर पीट लिया हुआ है पीट भी ऑप्शन में है तो आप बोलोगे पीट में है सबसे कम कोल कंटेंट या सबसे कम लोवेस्ट एनर्जी क्लियर और सबसे ज्यादा होती है एंथ्रेसाइट देखो एबीसीडी सबसे स्टार्ट कहां से होता है ए से स्टार्ट होता है तो ए फॉर एंथ्रेसाइट क्लियर ओके द सल्फर कंटेंट ऑफ कोल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑन बर्निंग लो सल्फ़र कोल इमिट्स लेस सल्फर डाई ऑक्साइड सो मोर डिज़ायरेबल एज ए फ्यूल फॉर पावर प्लांट तो हम क्या करते हैं पावर प्लांट में कम सल्फर डाइऑक्साइड इमिट हो इसकी वजह से लो सल्फ़र कोल को हम यूज़ करते हैं और यहाँ पर मेन है सल्फर कंटेंट क्योंकि बर्निंग लो सल्फ़र कोल इमिट लेस सल्फ़र डाई क्लियर है तो अगर कल सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है इन्वायरमेंट क्लियर इसके बाद अब बात करते हैं पेट्रोलियम की पेट्रोलियम और मिनरल्स आयल डिपॉजिट ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर यूजली ट्रैप्ड टुगेदर अंडर द सी फ्लोर और अर्थ क्रस्ट ऑन लैंड बेसिकली ये जो पेट्रोलियम की मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोलियम डीजल ग्रीस जितने भी हैं दैट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में बहुत आता है क्रूड ऑयल इतने बैरल का प्राइस चल रहा है क्रूड ऑयल से हम इस सारी चीज़ों को निकालते हैं मतलब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हम निकालते हैं क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट करते हैं क्लियर है और इसी पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल से ही नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है मतलब नेचुरल गैस नेचुरल गैस यहीं से प्रोड्यूस होती है बेसिकली जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं तो पेट्रोलियम जैसे पेट्रोलियम है ये क्रूड ऑयल है तो क्रूड ऑयल के ऊपर की तरफ नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है नेचुरल गैस बहुत जगह रॉक्स के बीच में भी प्रेजेंट होती है ये तो सबको पता है कि हम हम उसको एक्सट्रैक्ट करने के के बाद रिफाइनरी में तक पाइपलाइन थ्रू भेजते हैं सेंड करते हैं इन रिफाइनरीज ऑयल इज हीटेड एंड डिस्टिल्ड टू सेपरेट इट इन टू कंपोनेट विद डिफरेंट बॉयलिंग पॉइंट्स जो जितने बॉइलिंग पॉइंट्स का होगा वो उसी लेयर पे जा कर के सेपरेट होगा द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आर गैस गैसोलीन एविएशन फ्यूल्स एविएशन फ्यूल्स मतलब जो एरोप्लेन में पड़ता है कैरोसिन ऑयल डीजल ऑयल नेपथेन ग्रीस एंड वैक्स ठीक है तो ये जो जितने भी हैं ये है क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल के बाई प्रोडक्ट तो क्रूड ऑयल का एक एक स्टेप क्रूड ऑयल का एक एक मटीरियल क्रूड ऑयल का हर एक स्टेप का जो स्ट्रक्शन है वो इम्पोर्टेंट है क्रूड ऑयल कहीं किसी भी जगह पर क्रूड ऑयल बेकार नहीं होता है कि इसका वेस्ट मैटर है क्रूड ऑयल में कोई वेस्ट मैटर नहीं है उसका वेस्ट मैटर अगर वैक्स है ग्रीस है तो उसका भी हम यूज करते हैं जिसको हमने बोलते हैं पेट्रोलियम जेली पेट्रोलियम जेली जैसे वैसिलीन तो वैसलिन मीन्स वैक्स वो भी हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं ये हम पेट्रो क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट करते हैं क्लियर है नेक्स्ट <coughs> हम बात करते हैं नेचुरल गैस की नेचुरल गैस नेचुरल गैस बेसिकली अगर हम उसके कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है दैट इज मीथेन नेचुरल गैस प्राइमली कंसिस्ट ऑफ मीथेन इज ऑफन फाउंड अबव रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल मैंने बोला था कि क्रूड ऑयल जो है इससे पहले मैंने आपको बताया है क्रूड ऑयल जो यहाँ पर है इसके ऊपर की तरफ नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है द नेचुरल गैस इज मिक्सचर ऑफ फिफ्टी टू नाइन्टी परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ मीथेन मीथेन का केमिकल फॉर्मा तो आई होप आपको पता होगा सी एच फोर मेथ ठीक है द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन सबसे सिंपल टाइप का है हाइड्रोकार्बन पहले मेथेन आता है देन प्रोपेन ब्यूटेन इस तरीके से आपने पढ़ा होगा इट इज कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ हैवियर गैसेज हाइड्रोकार्बन सच एज इथेन प्रोपेन ब्यूटेन एंड सम अमाउंट ऑफ हाईली टॉक्सिक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एच टू एस ठीक है हाइड्रोजन सल्फाइड एच टू एस नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है मीथेन और नेचुरल गैस प्रेजेंट कहां पर होती है तो आपको याद रखना है नियर क्रूड ऑयल या एब क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल के पास प्रेजेंट होती है क्रूड ऑयल क्लियर हो गया ठीक है तो चलिए एक बार हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि बेसिकली हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है तो सबसे पहले मैंने रिन्यूएबल के बारे में बताया है वहाँ पर सन के बारे में बताया कि सन के टाइप्स क्या होते हैं किस किस तरीके से हम एनर्जी निकाल सकते हैं फिर हमने टाइडल के बारे में पढ़ा फिर हमने एयर के बारे में पढ़ा देन हमने नॉन रिन्यूएबल के बारे में पढ़ा फिर हमने आपसे डिस्कस किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स का सिंपल सा मतलब ये है कि हमको क्या करना है न्यूक्लियर एनर्जी किससे हम ले सकते हैं तो दैट इज़ यूरेनियम यूरेनियम प्लूटोनियम आपने नाम सुना होगा तो रेडियो एक्टिव मटीरियल आर यूज टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हमको लगता है आपको कोई एटम बम बनेगा बट ऐसा नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पर भी हमको एनर्जी चाहिए वहाँ से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हमको क्या चाहिए एनर्जी का import, की रिक्वायरमेंट है देर आर टू मैथड विच कैन बी यूज टू रिलीज एनर्जी फ्राम रेडियो एक्टिव मिनरल्स फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर फिजन एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन तो फ्यूजन का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल्स को फ्यूज़ करना मिला देना और न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना दो पार्ट में फिजन मीन्स ब्रेक डाउन फ्यूजन मीन्स टू फ्यूज टू कम्बाइंड इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम नेमली ऑफ यूरेनियम यू थर्ट टू थर्टी फाइव एंड प्लूटोनियम इसका पी पी फी मीन्स प्लूटोनियम टू थर्टी नाइन ब्रेक ए पार्ट इन टू स्मॉलर फ्रेगमेंट रिलीजिंग एंड इनोमरेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देखिए न्यूक्लियर फिजन जो होता है ना बेसिकली जब मोलिक्यूल्स ब्रेक होता है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी का हम यूज़ करते हैं क्लियर है अब न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या है न्यूक्लियर फ्यूज़न में हम एनर्जी को देते हैं मतलब इस प्रोसेस के लिए हमको एनर्जी के रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि बात करें आ, सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी मतलब सन में हीलियम मॉलिक्यूल होते हैं हीलियम मॉलिक्यूल के फ्यूजन की प्रेजेंस से ऐसा होता है वहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा है इन दिस प्रोसेस स्मॉल न्यूक्लियस लाइक दोज ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आपने हाइड्रोजन के आइसोटोप पढ़े होंगे प्रोटीरियम ड्यूटीरियम टाइटेरियम वन एच वन वन एच टू वन एच थ्री ठीक है नेमली ड्यूटेरियम एंड टाइटेरियम ठीक है यही है ड्यूटेरियम टाइट्रियम वन एच वन वन एच टू वन एच थ्री फ्यूज और ज्वाइन टुगेदर टू फ्रॉम हैवियर न्यूक्लियाई एंड रिलीजिंग रिलीजिंग वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्लियर है तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या करते हैं हम कि दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को हम ऐड करते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है बट इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है अब एक वर्ड यहाँ पर है आइसोटोप ठीक है तो आइसोटोप जैसे मैंने बताया अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के वन एच वन वन एच टू एंड वन एच थ्री यहां पर आप देख रहे हो जो इसका एटॉमिक वेट है ये डिफर है बट एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटोप में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर ये सेम होता है बट एटॉमिक वेट ये डिफर होता है ये डिफर होता है क्लियर है

ठीक है मिनरल है जहाँ से हम थोरियम को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं इस फाउंड इन कॉमर्शियल क्वान्टिटी ऑन द ट्रावन कोर कोस्ट ऑफ बिटवीन कन्याकुमारी एंड क्यूलोन। चावन कोर कोस्ट चावन कोर कोस्ट ये कन्याकुमारी और क्यूलोन के बीच में है चावन कोर क्लियर है विद यूरेनाइट और पिच ब्लैंड मिनरल ऑफ यूरेनियम यूरेनियम का जो एक मिनरल है दैट इज पिच ब्लैंड मिनरल फाउंड इन गया बिहार में अजम अजमेर दैट इज़ राजस्थान एंड नेल्लोर दैट इज़ आंध्र प्रदेश क्लियर तो ये जो डार्क कलर में हैवी डार्क कलर में आंध्र प्रदेश है ये और आंध्र प्रदेश में थर्टी फाइव परसेंट एक तरीके से रेडियो एक्टिव मिनरल्स की ओर है उसके बाद फिर तमिलनाडु और उड़ीसा है ये थोड़ा सा और डार्क कलर में है तमिलनाडु देन उड़ीसा देन आता है केरला एंड वेस्ट बंगाल देन ये है केरला देन है ये है वेस्ट बंगाल देन बिहार ये अपर पार्ट है बिहार तो बिहार में गया वाला जो पार्ट है यहाँ पर मिलता है तो आपको बस यहाँ पर दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि ये जो थोरियम है थोरियम मोनेजाइट से है ये मिनरल है और यूनेरियम यूरेनियम जो है वो पिच ब्लेंड मिनरल है क्लियर हो गया और उसके बाद आपको ये कोस्ट याद रखना है तो ये ईस्टर्न कोस्ट है टोटली इसमें आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है आई होप आपको सुना होगा ठीक है तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे यहाँ पर ये वाला जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया है दैट इज़ एनर्जी और इस एनर्जी में अगर आपको कोई स्टॉपिंग कोई डाउट आता है तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या आप इवन हमारे जो ऐप है वहाँ पर भी हमको बता सकते हैं इसका जो नोट्स है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और इवन आई बी ई ऑनलाइन प्लेट जो हमारा ऐप है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा जिसमें बेसिकली एक बार मैं फिर से आपको कोई बात डिस्कस कर डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे बात करता हूँ शुरुआत से हम देख लेते हैं शुरुआत से मैंने मैं सबसे सबसे पहले मैंने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था और एनर्जी में रिनीबल और नॉन रिनेबल है ये इसके बारे में आपको याद रखना है कि रिनेबल एनर्जी के एग्जांपल और नॉन रिनेबल एनर्जी के क्या क्या एग्जांपल हैं ये एग्जांपल आपको याद रखना है दैन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने रीनबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल के बारे में बताया था कि कौन कौन सी एनर्जी है ठीक है क्या क्या जैसे सोलर एनर्जी है ये सन से है हाइड्रल एनर्जी वाटर से है बायोमास जियोथर्मल ओशियन जी जियो, को जनरेशन और फ्यूल सेल नेक्स्ट फिर मैंने सोलर एनर्जी के बारे में बताया था कि सोलर एनर्जी फोटोवोल्टिक सेल है यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या करते हैं फोटोवोल्टिक सेल को सेट करते हैं और सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं स्टीम एक वर्ड मैंने बताया था स्टीम को प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर ये मैंशन है यहाँ पर ये लिखा हुआ है दैन मैंने यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में डिस्कस किया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉप ट्वेंटी जो कि पेरिस थर्टियथ नवंबर 2015 में हुआ था और मेन है इसमें इसको करने के लिए इंडिया और फ्रांस टोटल यहाँ पर 121 कंट्रीज uh, हैं जिन्होंने इसको मेंबर्स uh, हैं इसके आप बोल सकते हो इस अलायंस के और इस अलायंस में ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जितने भी कंट्रीज आते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं सिचुएट है नेक्स्ट हमने इसका हेडक्वाटर की बात करी थी और कहाँ कहाँ पर ये सेट है और हाँ टू थाउजेंड में ये ये आई एस ए जो होस्ट हुआ था इसके बारे में मैंने बताया था ठीक है कि थर्टी टू थर्टी वन अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रीन्यूवेबल एनर्जी यहाँ पर इसको होस्ट किया गया था नेक्स्ट है मैंने विंड एनर्जी के बारे में बताया था तो विंड एनर्जी में आपको सिर्फ एक बड़ी याद रखना तमिलनाडु जो कि सिक्स सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड मेगावाट एंड महाराष्ट्र सेकंड नंबर में फोर थाउजेंड मेगा के बारे में क्लियर है ओके देन मैंने बात में हाइड्रो हाइड्रो पावर की बात करी थे तो हाइड्रो पावर में आपको क्या याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में हाइड्रो का मतलब होता है वाटर मतलब मुझे वाटर से एनर्जी एनर्जी का प्रोडक्शन करता है देन टाइडल एनर्जी टाइडल एनर्जी में मैं एक बैराज एक बैराज मतलब एक एक तरीके का यहाँ पर वाटर को रोक दूंगा होल्ड करूंगा और होल्ड करके एक बैराज का फॉर्मेशन करूँगा और यहाँ से जितनी भी टाइट्स आएंगी ये यह जैसे यहाँ पर रुकेंगी यहाँ पर मैं एक टर्बाइन को सेट करूँगा और यहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन कर देते हैं ठीक है तो आपको जो मेन याद रखना है वो यहाँ पर गल्फ़ ऑफ कच्छ इन गुजरात फाइव थाउजेंड करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है नेक्स्ट बायोमास एनर्जी तो बायोमास एनर्जी में मैंने जो आपको बताया था वो यहाँ पर बायोमास एक रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको हम बार बार रियूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने आपको जो मेन है वो है बायोफ्यूल्स के बारे में जैसे कि बायोगैस बायोथेनॉल बायोडीजल्स ये सारे हैं बायोफ्यूल्स बायो इथेनॉल में शुगर केन एंड कॉर्न का यूज़ किया जाता है बायोडीजल में वेजिटेबल ऑयल्स का यूज़ किया जाता है दैट प्रोसेस इज ट्रांसस्ट्रीफिकेशन नेक्स्ट मैंने बायोगैस के बारे में डिस्कस किया था तो बायोगैस के में मैंने आपको ये बात डिस्कस करी है कि बायोगैस जो एनरोबिक डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होती है देन बायो ब्यूटेनॉल एंड बायोहाइड्रोजन ये सारे मैंने डिस्कस कर लिया था जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया है कि नेशनल बायो पॉलिसी टू में लॉन्च करी गई है और इसके बाद टू जी एथनॉल के लिए एक स्कीम है दैट इज़ प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 थाउजेंड यहाँ पर जो हमारा डिपार्टमेंट है मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ये काम करता है यहाँ पर टू जी एथनॉल सेक्टर को और ज़्यादा बूम अप करना है ठीक है ओके और 2030 तक हमको ये इथेनॉल ब्लेंडिंग 5 परसेंट बायोडीजल ब्लेंडिंग एंड 20 परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग को सेटअप करना है ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सअप करना नेक्स्ट है नॉन रेनोबल सोर्सेज तो नॉन रेनोबल सोर्सेज का मीन्स है कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस ओके और आपका न्यूक्लियर एनर्जी तो दैट इज कोल कोल में आपको टाइप्स याद रखने हैं एंथ्रेसाइट बिटुमिनस लिगनाइट एंड पीट एंथ्रेसाइट सबसे मेन है जिसमें ज़्यादा कंटेंट होता है एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है और लो होता है पीट में बट अगर पीट नहीं है तो लिगनाइट ठीक है तो मैं एक बार सिक्वेंस बता देता हूँ सबसे पहले एंथ्रेसाइट है फिर विटमिनस है फिर लेग्नाइट है देन पीट है तो सबसे लास्ट में आता है पीट सबसे ज्यादा है एंथ्रेसाइट उसके बाद है विटमिनस फिर है लेग्नाइट देन वन लास्ट वन इज पीट ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है यहाँ पर पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल तो इसको हम क्रूड ऑयल से प्रोड्यूस करते हैं क्रूड ऑयल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और क्रूड ऑयल जो प्रेजेंट होता है इसी के पास नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है और नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मैंने मीथेन बोला है आपको मीथेन क्लियर है ओके okay. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस तो नेचुरल गैस में मीथेन के बारे में मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर मेन कंपोनेंट है मीथेन और ये नेचुरल गैस किसके अगल बगल होती है किसके नियरेस्ट होती है या किसके अब होती है वो आप बोलोगे ट्यूड ऑयल के पास प्रेजेंट होती है नेक्स्ट में ना ने न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज तो न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज के बारे में मैंने दो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोसेस बताया न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फीजन फीजन का मतलब मीन्स होता है यहाँ पर ब्रेक डाउन करना और फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइंड फॉर्म करके एक में कन्वर्ट हो जाना क्लियर है नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पर कुछ लोकेशन बताई है तो इसमें आपको आंध्र प्रदेश याद रखना है जो डार्क कलर में है और बाकी ये जो पूरा ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर रेडिवेक्टीम मिनरल्स की ओड्स प्रेजेंट हैं ओके okay, तो ओके ठीक है आज के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए थैंक यू क्लास